विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा गांव विषय है जनव्यवहार के ग्यारह एपिसोड नंबर एक यात्रा यानी नाम का जो पाठ है गद्य पाठ उसे चला रहे हैं। इससे पूर्व अपने दूसरे एपिसोड तक देख लिए हैं जो थानेदार ने कहा जब लड़की को थाने पर ले जाया गया तो थानेदार ने कहा कि इससे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया कि तू उस पर बात लगा कि उसने बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पुरुष लीजिए। थानेदार का कहना और जैसे इसे एक प्रकार का चक्कर जैसे आ गया हो आकस्मिक शब्द इसके सामने में एक शादी का प्रस्ताव आने से तो इसमें कहा जो पहले इसके बारे में कह रहे हैं वो लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने तो उससे पूछा तो उसने स्थिति सूचक सिर हिला दिया। वह थानेदार उस लड़की से पूछते हैं तो लड़की ने सकारात्मक शब्द में अपने सिर को हिला देती है। लेकिन क्या बाबू जी यह भी भाभी अपनी मन से मेरी शादी कराना चाह रही थी चाह रही बात तय हो चुकी थी। फिर उसने बाबू जी से एक कहानी यहाँ कहते हैं जो इतना तो ये थाने में हुआ। लड़की ने सिर हिला दी स्वीकृति दे दी। फिर वहाँ कहते हैं बाबू जी क्या कहो मेरी जो अपनी सगी भाभी है वह भाभी अपनी सगी बहन से मेरी शादी की बातचीत संपूर्ण कर दी है जो बातचीत एकदम फाइनल एकदम तय हो चुका है। बाबू जी मैंने सोचा बाबू जी की मां से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर देगा। फिर उसने कहा जो तय संपूर्ण तय हो चुकी है उसके मन के अंदर जो विचार है उस विचार को दर्शाता है जो वह सोचता है। जो भाभी जी की बहन से तो कोई भी लड़का उसे शादी कर लेगा वहाँ कोई संकट नहीं है किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। परंतु एक जो लड़की है जो इसकी इस लड़की की जिंदगी जो है वह खतरे में है और लड़की सुंदर भी है परिचित भी। और इससे अहम बात यह है कि वह संकट में है इसे विवाह करना प्रैक्टिकल भी होगा और मानवीय भी। यह लड़की सुंदर भी है परिचित भी है। सबसे बड़ी बात यह है जो यह संकट में आ सकती है। इससे विवाह करना तो बहुत ही उपकारक होगा अच्छा होगा यह मानवीय होगा। लेकिन फिर भी लेकिन हाँ अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। विवाह की जो बात है वह तो एकदम से शादी हो नहीं विवाह होने की संभावना ही नहीं है। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेटी जाने का संकट है। यदि लड़की घर पर गई तो फिर वही समस्या है। कौन सी समस्या लड़की को बेचने की मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी को नाराज होंगे ही और माँ बाप के वहां न जाकर के मेरे साथ में वह जाती है तो हमारे बड़े भाई और भाभी जो है खूब नाराज होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। मेरे साथ जाने के बाद भाई भाभी इत्यादि नाराज होंगे। साथ ही इस लड़की के जो पिताजी है वह मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस तोड़ते। जब मैंने थानेदार से के सामने यह समस्या रखी तो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। इस प्रकार की समस्या जब वह थानेदार के सामने में मौन रहता है तो थानेदार ने कहा जो इस लड़की को कुछ दिन के लिए नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ और लड़की लड़की से
और इस प्रकार से हुआ। और 15 दिन के बाद उस लड़की से शादी थानेदार करवा देता है। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा। मैंने कहा, मोहन मौन से संबोधित करते हुए कहते हैं, तो इस प्रकार के थानेदार को कहाँ मिलते हैं, मुझे तो इस घटना पर अर्थात तुम जो कहानी कर रहे हो इस कहानी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है जो किसी प्रकार की कहानी कथा वार्ता सुन रहा। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कभी भी है, कभी सम्मेलनों में कहता है, पढ़ता है और इसकी कहता है मानवीय संवेदना से भरी हुई है। लेखक ने इस प्रकार से कहा तो कहा, जो बाबू जी आप बिल्कुल सही और हकीकत कह रहे हैं, परंतु इसमें और इसमें एक चीज है, जो थानेदार एक कवि भी है और कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई होती है। हाँ तो ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा भिखारी पढ़ ही जाता है। बोले ठीक है, हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई एक मसीहा निकल जाता है। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खपा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। कह लो इसके बाद मेरे भाई भाभी हमसे खपा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और मुझे घर से निकाल दिया गया। एक तो मैंने उसकी शादी से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। सर्वप्रथम इसलिए निकाले गए, जो प्रथम तो उनकी जो शादी थी उन लड़की से उनके शादी से मैं शादी नहीं किया, और जिस लड़की से बात शादी हुई वह लड़की हमारे जाति की नहीं थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, तो तुम लोग इस पर कहानी कहा थे क्या, तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबू जी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था, पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो कि रात और प्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। कहते हाँ बाबू जी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन हो गया था, पराए शहर में दूसरे शहर में भले ही कोई अपनापन न हो परंतु वहाँ यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा होता है, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न कर देता है। हाँ सही कह रहे हो, तो यह कोई नौकरी तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, यहाँ इस जगह पर कोई नौकरी तो थी नहीं, पराए शहर में आया दूसरे शहर में आया तो नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा है, बस इस फोटो वीजा के दामन थाम करके फोटो चलाने लगा और इसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, कभी भी कहानी का आदमी कहा मोहन तुम बहुत बड़े हो, बड़े हो, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, कहते बड़े लोग तो नारी के संबंध में खूब लेक्चर देते हैं, खूब कहानी कहते हैं, सुंदर सुंदर बात कहते हैं, लोगों को मन को आकर्षित करने की प्रकार की बात करते हैं, लेकिन कविताएं और उतना ही नहीं, कभी भी इस संबंध में कविता लिखते रहते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते, किंतु वह कवि जो है बड़े लोग जो है अपने उस चीज को व्यवहार में उतारते नहीं है। लेकिन तुम्हें तो बहुत साल बाद से एक लड़की की दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया है, तुमने तो ऐसा एक अद्वितीय अलौकिक काम किए हो, जो एक लड़की की जो जीवन दुखमय होने जा रहा था उस लड़की को तुमने दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया है। इतना ही नहीं, अपने जीवन के साथ उसे सम्मान
शिक्षा के साथ लगा लिया है। इस प्रकार से वह मोहन आपबीती कहानी को सुना रहा है, किसे लेखक को, कहानीकार को, उपन्यासकार को, जिस उस शहर के आए हुए कहानीकार को, जिसे बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कह करके संबोधित करता है, उसे सब सुना रहे हैं। यहाँ तक तीसरे नंबर के एपिसोड में, चौथे नंबर के